हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्लस टू के पहले यूनिट से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट। तो जो चार्जेस हैं रेस्ट पे पड़े हुए हैं, उनको स्टडी करना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लाइट को स्टडी करना मींस ऑप्टिक्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज को स्टडी करना लाइंग एट रेस्ट। ये टॉपिक जो स्टार्ट है वो पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट है, और पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सबसे पहले कहां से स्टार्ट है? देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन चार्जेस से होगा। दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी। कहीं ना कहीं किसी भी एलिमेंट में अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोलते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से अगर किसी के पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोलते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो दो किस्म के चार्जेस हैं। तो जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ चार्जेस, ओरिजिन ऑफ चार्जेस के अंदर यही एक्सप्लेन किया गया है कि चार्ज का ओरिजिन कहां से हुआ। चार्ज का ओरिजिन यहीं से हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज। सो मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके तीन मेथड हैं। पहला मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि आप किन्हीं भी दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पीस ऑफ सिल्क लें और ग्लास रॉड लें, आप इन्हें रब करें। जब इन्हें रब किया जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सिल्क के अंदर चले गए। तो सिल्क के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ग्लास रॉड के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई। तो जब डेफिशिएंसी हुई, तो पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है कि पीस ऑफ वूल एंड एबेनॉइड रॉड। तो अगर आप एबेनॉइड रॉड लें और पीस ऑफ वूल लें, इन्हें आपस में रब करें, तो इलेक्ट्रॉन्स इस वूल से निकल के एबेनॉइड रॉड में जाएंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, तो यहां पर डेफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज अटेन हो गया, और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रब करने से क्या हुआ? रब करने से हमने एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स को। वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन अगला ये अराइज होता है कि क्या ये पेन और ये शर्ट को अगर मैं रब करता हूं, तो क्या इस पेन पे या शर्ट पे चार्ज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कुछ बॉडीज की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल कर जाते हैं, और कुछ बॉडीज की टेंडेंसी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ये टेंडेंसी नहीं होती। उनको उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती कि वो ट्रांसफर कर सकें। तो इसलिए हर एलिमेंट या कोई भी दो बॉडीज को रब करके आप चार्ज डेवलप कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, इन केस में ये टेस्टेड है कि ग्लास रॉड और सिल्क का कॉम्बिनेशन ऐसा प्रोड्यूस करता है, एंड सिमिलरली वूल और एबेनॉइड रॉड भी, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है जो कि चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। जो सेकेंड मेथड है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका मतलब है किन्हीं भी दो बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में लेके आए और चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, आपके पास दो बॉडीज हैं, दो कंडक्टर्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव 10 यूनिट चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव 10 यूनिट चार्ज है। नेगेटिव का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब डेफिशिएंसी है। तो जितनी डेफिशिएंसी है, उतना ही एक्सेस है दूसरी बॉडीज पे। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आऊं एंड दे आर कंडक्टर्स, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल के डेफिशिएंट बॉडी के जो डेफिशिएंसी है उसको क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर मुझे दो बॉडीज को रब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये देख सकते हैं
कि दो बॉडीज को बस मैंने कॉन्टैक्ट में लेके आया, दो कंडक्टर्स को कॉन्टैक्ट में लेके आया और चार्ज मूव किया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो हम बोलते हैं दिस इज द मेथड जिससे कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करता है, मेथड ऑफ कंडक्शन। तो किसी भी तरीके से अगर आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आए और एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पे आ जाए बिना रब किए, हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन की खास बात क्या, कंडक्शन की खास बात यह है कि दो बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे ताकि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, बिना टच किए दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाए बिना किसी भी एक बॉडी के ऊपर अपने आप चार्ज का पैदा होना, इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉडी लूं और उस बॉडी के सामने दूसरी बॉडी रख दूं और इन्हें कॉन्टैक्ट में ना लेके आऊं, पहली बॉडी के ऊपर चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर अगर ऑटोमेटिकली अपने आप चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है बिना कॉन्टैक्ट में लाए, तो हम बोलते हैं दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो हम बोलते हैं सेकेंड बॉडी पे चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको एक बार समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है विच इज अ चार्ज्ड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। आप पूछेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहां से चार्ज होके आई, फ्रिक्शन से आई, कंडक्शन से आई, कैसे आई, मेरी हेडेक नहीं है, कैसे भी लेके आओ उससे कोई फर्क नहीं है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से चार्ज लेके आए, क्योंकि मैं इंडक्शन के प्रोसेस में एक और बॉडी को लेके आने वाला हूं। तो मान लेते हैं यहां पर एक सामने कंडक्टर पड़ा हुआ है, सामने आप एक चार्ज बॉडी लेके आए। आप ये देखेंगे जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके सामने लेके आएंगे कंडक्टर के, तो बाय इंडक्शन होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि ये कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आ गए और इस तरफ क्या प्रोड्यूस हो गई इस कंडक्टर में, डेफिशिएंसी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस कंडक्टर के पास जब लेके आए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, अट्रैक्ट किया, और ऑपोजिट साइड पर डेफिशिएंसी हो गई और पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये आप इस एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि मैंने इन दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आया, और क्योंकि मैं इन दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आया तो हम क्या बोलेंगे कि इस बॉडी पर क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस रॉड को यहां से हटा दूं, दूर ले जाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इस डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे और ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं और बॉडी फिर से न्यूट्रल। अब जब तक रॉड सामने पड़ी हुई थी तो हमने देखा कि यहां पर चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, जैसी रॉड चली गई बॉडी फिर से क्या होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं ये चाहता हूं कि बॉडी परमानेंटली चार्ज रहे, ये जो बॉडी है इसके ऊपर परमानेंट चार्ज आ जाए। तो परमानेंट चार्ज लाने के लिए, और वो भी इंडक्शन के थ्रू, बिना किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाने के बिना अपने आप चार्ज इसमें परमानेंटली आ जाए, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, राइट, अर्थिंग। अब ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जो अर्थ है, अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है। अर्थ, हमारी जो अर्थ है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और यह माना जाता है कि इसके अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस हैं, आयंस हैं, और इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं, आयंस हैं। कितने, दोनों इनफाइनाइट, सच दैट दोनों एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल करते हैं और ओवरऑल चार्ज अर्थ पे क्या माना जाता है, जीरो। इसीलिए बोला जाता है अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अर्थ न्यूट्रल है। अब अर्थ का अगर कॉन्सेप्ट को सीखना है, हमारे घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपने देखा होगा उनमें अर्थिंग की जाती है।
घरों में जब बिल्डिंग या घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल वाले जब काम करते हैं तो उसमें तीन तारें यूज करते हैं, तीन किस्म की वायर्स यूज करते हैं। दो वायर किसी भी कलर की होती हैं, लेकिन एक वायर हमेशा ग्रीन कलर की होती है, और जो हरे रंग की तार है, ग्रीन कलर की वायर है, उसको हम अर्थिंग की वायर बोलते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कूलर है या कोई मशीन है जो मेटल की बॉडी से बनी हुई है, कभी कभी जो उसको स्टार्ट किया जाता है या जो चल रही होती है, कभी कभी वो शॉक मारना स्टार्ट कर देती है, करंट मारना स्टार्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट चल रहा होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब उसमें करंट दौड़ रहा होता है, चार्जेस हैं। चार्जेस क्या करते हैं? मेटल की बॉडी के ऊपर इंडक्शन से चार्ज पैदा कर देते हैं। आप सोचो ना, एक अंदर मशीन चल रही है, अंदर चार्जेस हैं, मेटल की बॉडी है, तो मेटल की बॉडी की तरफ अंदर या बाहर चार्जेस पैदा हो जाते हैं, और अगर हम उस मेटल की बॉडी को टच करें हमें शॉक लग सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें उस मेटल की बॉडी की अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ करने से चार्ज अर्थ में चला जाता है और बॉडी ओवरऑल क्या रहती है? न्यूट्रल। क्योंकि अर्थ जिसे भी टच करेगी वो अर्थ का पार्ट बन जाएगा। अर्थ क्योंकि न्यूट्रल है, वो बॉडी भी न्यूट्रल हो जाएगी। अब ऐसा होता कैसे है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि आपके पास कोई भी एक चार्ज बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इमेजिन करें कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता हूं परमानेंटली, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर इसकी अर्थिंग कर दूंगा। ये जो निशान है, ये अर्थिंग का निशान है। अर्थिंग बोल सकते हैं, ग्राउंड भी बोल सकते हैं। हमने ग्राउंड कर दिया या अर्थ कर दिया, एक ही बात है। तो हमने इसको अर्थ या ग्राउंड किया, क्योंकि अर्थ के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अर्थ क्या करेगी, जैसे से कॉन्टैक्ट में, अर्थ के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो ये चाहेगी कि जो बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आए वो भी अर्थ का ही पार्ट है। तो वो बॉडी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। कैसे? अर्थ के पास इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अर्थ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर से सप्लाई करेगी, और अर्थ को तो फर्क पड़ता नहीं। अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन को दे भी देगी, इनफिनिटी में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी गए, फर्क तो पड़ा नहीं। तो अर्थ क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगी। और अर्थ जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगी, एंड फाइनली ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अर्थ जिस भी बॉडी को टच करेगी वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। तो क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज था, तो अर्थ ने क्या किया, इसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया, और इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई किए उसने इस बॉडी की डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। अब अर्थ भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और अर्थ के कॉन्टैक्ट में कंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, लेट अस सपोज कि हमारे पास इस बॉडी के ऊपर सपोज नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैं इस नेगेटिव चार्ज को कंप्लीटली खत्म करना चाहता हूं, और बॉडी को क्या चाहता हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए मैं इस बॉडी को क्या कर दूंगा, ग्राउंड या अर्थ कर दूंगा। जैसे मैं इसे अर्थ करूंगा तो क्या होगा, अर्थ के पास, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अर्थ चाहेगी कि जो भी बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आए वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो अर्थ क्या करेगी, इस बार कोई चार्ज को सप्लाई नहीं करेगी, अर्थ में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और जैसे अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। तो अर्थ जिसके साथ टच हो जाए, या किसी भी बॉडी को अगर अर्थ किया जाए, अर्थिंग की जाए, तो वो बॉडी भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज उसमें से चला जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। हम इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं अपने इंडक्शन के अंदर। जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए, आपने इसके सामने एक कंडक्टर को रखा, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स सब लेफ्ट की तरफ आ गए क्योंकि अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बराबर क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। ये लो, ये डेफिशिएंसी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब इस रॉड को दूर लेके जाते थे
तो ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती थी, और मैं ये चाहता हूं कि बॉडी के ऊपर परमानेंटली चार्ज रहे, तो इस बार मैंने इसे क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। जब मैंने अर्थ किया, ग्राउंड किया, तो अर्थ ने यहां पर डेफिशिएंसी देखी, तो अर्थ ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया और इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। ये देखो, इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो गया। आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज भी तो फ्लो करेगा इसमें, नहीं करेगा या नहीं कर पा रहा। अर्थ तो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अर्थ ने इसको टच कर दिया या हमने इसे अर्थिंग कर दिया, तो ये अर्थ चाहेगी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को यहां फ्लो करना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं मूव कर पा रहे, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने खींच के रखा हुआ है, तो वो अर्थ में जा नहीं पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अर्थ को भी हटा देते हैं, क्योंकि अगर रॉड को हटा दिया मैंने पहले, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे। पर अगर मैं अर्थिंग को हटा देता हूं और फिर इस रॉड को भी हटा देता हूं, ये देखो मैंने पहले अर्थिंग को हटाया, फिर मैंने इस रॉड को भी हटा दिया, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जाएंगे कहां, रहेंगे तो सरफेस के ऊपर, क्योंकि उधर से अर्थ चली गई, इधर से रॉड चली गई। तो आप ये देखेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फाइनली इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और परमानेंटली इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि हम एक रॉड को जब इसके सामने लेके आए, तो और अर्थिंग की हेल्प से पहले अर्थ किया, फिर अर्थ को हटाया, फिर रॉड को हटाया, ये बॉडी इनिशियली जब लाई गई थी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, पर अब बाय इंडक्शन बिना किसी टच किए, रॉड को टच किए बिना, इसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम बोलते हैं दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन के अंदर दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आए, रॉड और कंडक्टर को हम कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास तीन तरीके हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला तरीका बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन, तीसरा बाय इंडक्शन। आप किसी भी तरीके से बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। ये चार्ज प्रोड्यूस करने का ओरिजिन या चार्ज प्रोड्यूस करने के तरीके हैं। अब चार्ज प्रोड्यूस हो गया, राइट? अब इस केस में चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने देखा। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर ये वही एग्जांपल जो मैं समझा रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। ये एनसीईआरटी में भी आता है, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर यह बताया जाता है कि ये एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज के इक्वल ही होगा। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपके पास कोई भी बॉडी है ए, कोई भी बॉडी है बी। मान लो ए ने अपने चार इलेक्ट्रॉन्स को बी को दे दिए, तो इसके पास कितना चार्ज आ गया, डेफिशिएंसी प्लस 4e। इसके पास कितना चार्ज आ गया, माइनस 4e, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब ये तो नहीं हो सकता कि ए बॉडी से बी बॉडी में चार की जगह 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं, 5.5 हो जाएं, 4.5, 5.5, 4.25, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज या इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होंगे, या तीन, या चार, या एन, फ्रैक्शन में नहीं होगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि इन जनरल इन दोनों बॉडीज पे अगर चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस 4e। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए
वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसीलिए चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका प्लस माइनस 4e। तो ये जरूरी नहीं है कि चार इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, ये भी तो हो सकता है कि किसी बॉडी के n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिस के गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिस में गए उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी पे चार्ज है वो n का मल्टीपल है, दैट इज n इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होगी। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो ये आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गई। तो यही लिखा हुआ है, q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, ये बताया कि इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएंगे या तीन जाएंगे, फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यही रीजन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रीजन है वो यही है, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं ट्रेवल कर सकता, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा, होल नंबर में ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट है चार्ज इज एडिटिव। हाँ ठीक है, चार्ज एडिटिव है, आप किसी भी दो चार्जेस को ऐड कर सकते हैं कि क्यू प्लस 2q 3q, सिंपल। तो चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यह बताया गया है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब यह स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। आपको कहोगे चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, अभी तो क्रिएट किया हमने डेफिशिएंसी प्रोड्यूस करके, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, हमने खत्म भी किया, न्यूट्रल किया बॉडी को। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा हुआ है इन आइसोलेशन, अकेले में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पेन के ऊपर प्लस 10e चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इस डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहता हूं तो मुझे कहीं से किसी दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लाके इसमें डालने ही पड़ेंगे, तभी इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एटलीस्ट दो बॉडीज चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन को लाया जाए और डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। तो इसलिए चार्ज जो है कंजर्वेशन ये कहता है, चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता इन आइसोलेशन। हाँ दो बॉडीज होंगी तो आप चार्ज को बना भी सकते हो और आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। तो दो ये भी बोला जाता है कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर अ बॉडी टू चेक वेदर इट इज चार्ज्ड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं एक मिनट के लिए आपके पास कोई ए बॉडी है एंड आपके पास कोई बी बॉडी है, एक ए बॉडी है एक बी बॉडी है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों की दोनों बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। अब आप मन में ये सोचेंगे कि अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो इसका मतलब इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्शन होगी, डन, राइट। लेकिन ये भी तो सोचने की बात है कि आपने सपोज एक बॉडी लेके आए और ये ए बॉडी है, मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसके सामने एक कंडक्टर को रखा बी, मान लो दिस इज अ कंडक्टर, तो आपने इसके ऊपर इसके सामने कंडक्टर को रखा। अब ये कंडक्टर मान ले न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर ये कंडक्टर है। अब होगा क्या, बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर देगा, नेगेटिव, और इस हिस्से में क्या प्रोड्यूस कर देगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने बाय इंडक्शन क्या प्रोड्यूस कर दिया, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। आप सिर्फ एक चीज का आंसर दें कि ये दो बॉडीज आपस में क्या करेंगी, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगी, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी, तो ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कुछ ना एक्सप्लेन करता और आपसे ये पूछता कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है?
तो अब से इसके दो मतलब है। पहला मतलब कि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दूसरा मतलब कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी। जो दूसरी बॉडी है वो क्या थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते ही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी सामने पड़ी हो, वो भी आपस में क्या करेंगी? अट्रैक्ट। तो आप ये बोल नहीं सकते कि जो सेकेंड बॉडी है इसके ऊपर कोई चार्ज था या ये न्यूट्रल थी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो बॉडीज, क्वेश्चन में कहा गया, आपस में क्या कर रही है? अट्रैक्ट। तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि एक के ऊपर तो पक्का चार्ज है ही है, पर दूसरी बॉडी पे चार्ज हो भी सकता है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसीलिए आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि बी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी या उस पे चार्ज था। लेकिन अगर आप बात करते हो रिपल्शन की, रिपल्शन की, अब रिपल्शन में क्या होगा? मान लो ए बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो बी बॉडी है, इसके ऊपर श्योर शॉट पॉजिटिव चार्ज ही होगा, 100% होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। अदरवाइज रिपेल नहीं कर सकती। तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कह सकता कि सेकेंड बॉडी वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल कैसे होगी? क्योंकि दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे तभी वो रिपेल करेंगे। इसीलिए बोला जाता है रिपल्शन ही आपको कंफर्म करता है कि दोनों बॉडीज पे श्योर शॉट चार्ज है ही है। अट्रैक्शन में चार्ज हो भी सकता है और बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है, राइट? तो ये इसका मतलब है। इसीलिए यहां पे लिखा गया था कि रिपल्शन कैन कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये सब एग्जांपल यही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कुछ